दर्शकों बताते चले कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए राहत भरी खबर जो है वो सामने निकल कर आई। जी हाँ, जिस तरह से आपने कैप्शन में भी पढ़ा, अब बाहर की स्टेट से आए सभी यात्रियों को जम्मू रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ अगर हम एयरपोर्ट की भी बात करते चले तो यहाँ पर कोविड टेस्टिंग के लिए समय बर्बाद जो है वो नहीं करना होगा। जी हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ न्यू गाइडलाइंस जो है वो सामने निकल कर आए और इन्हीं गाइडलाइंस के तहत मंगलवार से जम्मू रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए कोविड टेस्टिंग जो है वो बंद कर दी गई। हालांकि जम्मू शहर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर विभिन्न इलाकों में जरूरत के मुताबिक संक्रमण के संदिग्ध लोगों की टेस्टिंग जो है वो की जाएगी, लेकिन अगर हम रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट की पर्टिकुलरली बात करते चले तो अब टेस्टिंग नहीं होगी। वहीं 2 साल बाद रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग जो है वो बंद कर दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर तैनात सभी मेडिकल स्टाफ को वापस जो है वो मूल स्थानों पर भेज दिया गया। ये नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में प्रवेश द्वार लखनपुर और श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की भी यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे, तो वहां पर अभी रैपिड टेस्टिंग जो है वो जारी है। वही दूसरी ओर जिस तरह से आप जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए कोविड टेस्टिंग जो थी वो अनिवार्य की गई थी, लेकिन जम्मू में दोनों माध्यम से हजारों यात्रियों का रोजाना आवागमन होता था, फिर चाहे वो लखनपुर से आना हो या फिर रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से। और इससे पहले कोविड टीके की दोनों डोजेस लेने वाले पैसेंजर्स को टेस्टिंग प्रोसीजर से बाहर रखा गया था। 6 दिन से जम्मू जिला में संक्रमण का कोई भी मामला जो है वो नहीं मिला है और इसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू शहर में जो कोविड टेस्टिंग है वो फिलहाल अभी के लिए बंद कर दी गई है। बात करें यहाँ पर लखनपुर में या फिर जम्मू एयरपोर्ट में या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन के थ्रू बाहरी स्टेट्स के जितने भी पैसेंजर्स आते हैं, अब उनको थोड़ी राहत जो है वो जरूर दी गई है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कोविड टेस्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा उनका टाइम वेस्ट होता था, लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन कोविड टेस्टिंग जो करवाना था वो बहुत ज्यादा नेसेसरी था। लेकिन न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आज से ये जो कोविड टेस्टिंग है इन लोकेशंस पर बंद कर दी गई। दर्शकों इसके अलावा खास तौर पर जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 17 से 18 और जम्मू रेलवे स्टेशन पर 24 मेडिकल टीमें जो थी वो तैनात की गई थी। जी हाँ, इसमें प्रत्येक टीम से कम 2 कर्मचारी जो थे वो शामिल होते थे, जिसे करीब 80 मेडिकल कर्मियों को वापस उनके मूल स्थानों पर भेजा गया। लेकिन इन सबके बीच चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू डॉक्टर जेपी सिंह की कुछ स्टेटमेंट सामने निकल कर आई। उन्होंने कहा कि जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों पर रैपिड कोविड टेस्टिंग जो है वो अभी भी जारी रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी और लखनपुर इसमें इंक्लूडेड है, फिर रघुनाथ बाजार, सुपरमार्केट, जम्मू लोचन हॉल आदि केंद्र जो है वो इसमें शामिल है। और कोविड संक्रमण में गिरावट को देखते हुए मेडिकल कर्मियों को वापस मूल स्थानों पर भेज दिया गया। वही BMO कटरा डॉक्टर गोपाल दत्त ने यह बताया कि बाणगंगा, कटरा हेलीपैड और सामुदायिक मेडिकल केंद्र कटरा में रैपिड कोविड टेस्टिंग जो है वो अभी भी जारी है। इन लोकेशंस पर कटरा में जितने भी बाहर जो यात्री हैं वो आते हैं उनके लिए अभी भी जारी रहेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें RT-PCR टेस्टिंग में नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले पैसेंजर्स को बिना टेस्टिंग के यात्रा की इजाजत जो है वो दी जाएगी। लखनपुर की बात करते चले तो लखनपुर में कोविड केयर केंद्र में कोविड टेस्टिंग जो है वो जारी है, लेकिन अधिकांश यात्रियों ने टीके की दोनों डोज ले रखी है, जिसे मिनिमम कोविड टेस्टिंग किए जा रहे हैं। तो दर्शकों ये थी एक इम्पॉर्टेंट खबर जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। कोविड टेस्टिंग को लेकर एक नया अपडेट जो है वो सामने निकल कर आया। जहां तक बात है लखनपुर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा की, तो यहाँ पर जितने भी बाहरी राज्यों के पैसेंजर्स आते हैं इनकी रैपिड टेस्टिंग जो है वो अभी भी जारी रहेगी। हालांकि नेगेटिव टेस्ट आने पर थोड़ी राहत जरूर दी जाएगी, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू रेलवे स्टेशन की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर कोविड टेस्टिंग जो है वो फिलहाल बंद कर दी गई। ये थी एक बड़ी खबर आपके समक्ष, इस खबर को आगे जरूर शेयर करें। फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।